हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिटकरी के लाभदायक गुण इस विषय को लेकर आई हूँ। फिटकरी एक ऐसा क्रिस्टल है जो सभी घरों में प्रयोग होता है। पुरुष इसे आफ्टर शेव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और पुराने जमाने में महिलाएं इसे चेहरे को टाइट करने के लिए प्रयोग किया करती थीं। यह लाल और सफ़ेद दो प्रकार की होती है। फिटकरी में कई सारे गुण होते हैं। यह बैक्टीरिया का नाश करती है, इसीलिए लोग इसे डिओड्रेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। यह बैक्टीरियल होती है, इसलिए इसे दंत रोग से छुटकारा पाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं फिटकरी के कुछ लाभदायक गुणों के बारे में। फिटकरी को चोट या घाव पर लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिटकरी का पानी लगाने से घाव से खून आना बंद हो जाता है। आप इसका चूर्ण भी बनाकर प्रयोग में ला सकते हैं। चेहरे से झुर्रियों को मिटाने के लिए चेहरे को धो लें, फिर फिटकरी को ठंडे पानी से गीला करके चेहरे के आसपास हल्के से रगड़ें। अब इसे सूखने दें और फिर इसे हाथों से छुड़ाकर साफ कर लें। कुछ महीनों इसके प्रयोग करने के बाद आपका चेहरा चमकदार और यंग बन जाएगा। दमा और खांसी है तो आधा ग्राम फिटकरी को पीस कर शहद के साथ मिक्स करके चाट लें, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। फिटकरी को नहाने के पानी में घोलकर प्रयोग करने से शरीर की खुजली और बदबू ये दोनों आना बंद हो जाती हैं। कीड़े मकोड़ों के काट लेने पर फिटकरी के टुकड़े को उस जगह पर रगड़ें, इससे सूजन, घाव और लालिमा दूर होगी। फिटकरी को चेहरे पर लगाने से चेहरा गोरा बनता है और त्वचा टोन हो जाती है। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी का चूर्ण घोल लें। इस घोल को प्रतिदिन सिर धोने के समय इस्तेमाल करें, जिससे सिर में अगर जुएं हो गई हैं तो वो मर जाएंगी। टॉन्सिल की समस्या होने पर गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी को और नमक डालकर गरारे करने से टॉन्सिल की समस्या में जल्दी ही आराम मिलता है। फिटकरी एंटीबैक्टीरियल तत्व होने की वजह से यह दंत रोग को दूर कर सकती है। यह माउथ वॉश की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। मित्रों, मेरी आपसे विनती है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली कुछ परेशानियाँ उनके लिए घरेलू नुस्खे लाकर आप तक पहुँचा सकूँ। घर में बच्चों और बड़ों को छोटी मोटी बीमारियाँ अक्सर होती रहती हैं, इसलिए मैं आपको समय समय पर रामबाण और घरेलू नुस्खों की जानकारी देती रहूंगी, जो मैंने घर पे आजमाए हैं, जो मैं अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। आप भी ये नुस्खे आजमाइए और इस्तेमाल कीजिए, आप देखना आपको उनसे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।